इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है। अब पैरेललोग्राम भी है वो और साइक्लिक भी है, तो वो तभी हो सकता है जब रेक्टेंगल हो, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका वाई एज्यूम कर लेते हैं, ये भी वाई। एंगल ए बी सी वाई और ए डी सी भी वाई, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। चलिए, दूसरा कंडीशन ये है कि ये साइक्लिक भी है। अब अगर ये साइक्लिक भी है तो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, मतलब एक्स 90 हो गया। इसी तरह से y प्लस वाई भी 180 होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। तो y भी 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है। दोनों का सम भी 180 होना चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए। ये x x, ये y y। इस तरह से चारों जो वर्टिसेस एंगल, जो एंगल्स है इसके, वर्टेक्स एंगल्स है जो 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है।